प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा शाहपुर के करेरी कुठारना घेरा में जाकर युवाओं और स्थानीय जनता के बीच जाकर उनके साथ कोरोना वायरस खतरनाक महामारी के बारे में जाकर उनका दुख दर्द सुना और उनको इस बीमारी से बचाव के लिए मास्क बांटे और सरकार के दिए हुए दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें जिससे खुद और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पठानिया ने कहा कि शाहपुर हलके के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में जनता को प्रदेश सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही है। इन क्षेत्रों में जनता का कहना है कि इस संकट की घड़ी में सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया और ना ही कोई किसी ने पूछा। आज पहली बार कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने जनता का दुख दर्द समझकर इस संकट की घड़ी में कोरोना वायरस के बचाव के लिए मास्क दिए जिससे जनता में हौसला बढ़ा है। पठानिया ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से धार कंडी क्षेत्र की सड़क की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाए। पठानिया ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र ने बरनेट घेरा सड़क की डीपीआर तैयार की थी और पैसा भी स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज 2.5 साल के बाद भी उस सड़क का काम नहीं चला, तो मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सड़क का कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए जिससे जनता को आने जाने की सुविधा प्राप्त हो। पठानिया ने कहा कि करेरी बन विश्राम गिरी से 150 मीटर आगे सड़क का निर्माण भी जल्द शुरू किया जाए और उसको जल्द से जल्द कुठारना से जोड़कर जनता को सड़क सुविधा प्रदान करें जिससे आने वाले समय में करेरी कुठारना बो दरिनी रिड कमार को पर्यटक की दृष्टि से संवारा जाएगा। इस मौके पर प्रधान इंद्रजीत विवेक राणा, उप प्रधान ओम प्रकाश कुठारना, दुर्गा सिंह पलून, राकेश करेरी, अरुण कुमार, अमित तेज सिंह, करतार चंद, हंसराज संतराम, उत्तम सिंह राबा, राजू राम, किशन चंद, आत्माराम मान सिंह, शुभकर्ण पंडित, रतन चंद पंडित, करमचंद संसार चंद, प्रीतम चंद आदि गणमान्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। मेरी वर्तमान सरकार से ये मांग है कि इस रोड का काम जो है 2 फेजेज में यहाँ पैसा आ गया है, इसको इस रोड जो है वो अपना सल्ली कनोल होता हुआ ये डलौजी तक जाता है, ये हमारा धौला धार एक्सप्रेस रोड है। वर्तमान सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि जो पैसा पूर्व सरकार ने बरनेट घेरा और घेरा से सल्ली कनोल का जो पैसा कठारना होते हुए दिया है, उस पैसे को जल्दी जो है वो वस्तु स्थिति समझ कर जल्दी से जल्दी जो है वो ग्राउंड में लगाए, ये वर्तमान से सरकार से मेरी। और साथ में करेरी हमारा पर्यटन क्षेत्र है, मैं चाहता हूँ कि हमारी जब सरकार थी पर्यटन की दृष्टि से रोप वे के जो सर्वे कराए हैं उन पर जो है वर्तमान सरकार जो है काम काज करे, और हमने ये पाया है कि करेरी पंचायत में आज बहुत से हमारे नौजवान साथी चाहे गोवा हो या प्रदेश से बाहर जो काम काज करते हैं, आजकल वो क्योंकि काम काज लॉकडाउन के कारण बंद है, आजकल वो घर पे हैं। वर्तमान कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी का भी स्टैंड है कि जो हमारे बच्चे बाहर से काम छोड़कर यहाँ आए तो 10,000 रुपया पर मंथ उनके खाते में डालना चाहिए। जो गरीब आदमी हमारा यहाँ जिसके जनधन के खाते हैं 7500 रुपया उसके खाते में डालना चाहिए। तो ये सभी गाँव की समस्या है, और वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री ने जो पैकेज दिया और मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उस पैसे को मैं आज यहाँ भी लोगों के साथ बातचीत की, 1 रुपया आर्थिक मदद जो आज ग्राम पंचायत करेरी में नहीं पहुँची, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, उल्टा मैं कहता हूँ आज मास्क का की प्रोवाइड जो उपलब्धता है वो भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने करवाई है। तो मेरी ये वर्तमान सरकार से यही मांग है कि इस इलाके की वो खुद ले, और इस इलाके से मंत्री है, मैं कहता हूँ पिछले 2.5 सालों में जो काम हम छोड़ के गए थे चाम जस के तस पड़े हुए हैं, और मेरी ये भी वर्तमान सरकार से मांग है कि चाहे वो हमारा घेरा हो चाहे हमारा नीचे से जो अब जो छोटे मोटे ब्रिजेस के काम चले उन कामों को भी जो है जल्दी से जल्दी जो है वर्तमान सरकार पूरा करे, ये हमारी वर्तमान सरकार से प्रार्थना है।